मैनपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सफाई से कलकत्ता जा रही डीसीएम के ब्रेक फेल होने से देर शाम जीटी रोड वंत होटल के निकट रखे खोखे में जा घुसी, जिससे चालक घायल हो गया। वहीं खोखे में कोई ना होने के चलते जनहानि होने से बच गई। घायल डीसीएम चालक प्रभाकर निवासी नगला छिदू थाना कुरावली डीसीएम लेकर भोंगाव से बेवर की ओर जा रहा था। शाम 6:30 बजे जैसे ही वह वंत होटल के निकट पहुंचा, डीसीएम के ब्रेक फेल हो गए, जिससे अनियंत्रित डीसीएम सड़क किनारे रखे खोखे में जा घुसी, जिससे डीसीएम व खोखा क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही चालक को मामूली चोटें भी आई हैं। घायल चालक को पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। गनीमत यह रही कि खोखे का आसपास कोई व्यक्ति नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। करुणा सागर स्कूल से घर वापस जा रहे थे। कितनी बच्चियां थी लघु छात्र इसके साथ? तो एक बच्ची और थी, एक लड़का था, इसका भाई दाऊ का लड़का। क्या हो गया फिर घटना? ट्रैक्टर की चपेट में आ गई, वो नदी के पुल पर जो है उसमें जो ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ। क्या नाम था वो बच्ची? खत्म बिटिया, वैसे गाँव में तो उसका नाम अंशिका कहते, वैसे स्कूल में इसका नाम सिखा सिखा। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम है जयप्रकाश। जयप्रकाश कितने में पढ़ रही थी बेटी? ये नाइन्थ में पढ़ रही थी। नाइन्थ में दोनों छात्राएं ये गांव की एक ही गांव की? अरे घर की, पड़ोस की, एक ही बात थी। तो शिवानी शायद घायल हुई है उसमें? हाँ शिवानी घायल हुई। आप बच्ची के दाऊ? आज करीब 3 बजे दंडाहार क्षेत्र में एक एक्सीडेंट की घटना हुई है। ये आरसीएल पुल के पास एक ट्रैक्टर जा रहा था जो पलट गया। पलट जाने से उसमें दो बच्चियां जो स्कूली बच्चियां थी जा रही थी, उनके चपेट में आ गई। एक बच्ची की मृत्यु हो गई और एक बच्ची घायल हुई तथा एक व्यक्ति भी उसमें घायल था। जैसे सूचना मिली दंडाहार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जो घायल थे उनको उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भिजवाया और समुचित विधिक कार्रवाई संबंध में की जा रही है।